लोग बेदार हो चुके हैं, उन्हें अपनी हुकूमत चाहिए और जमहूरी निजाम वो कायम करना चाहते हैं। बहुत मेहनतों के बाद, बहुत काविशों के बाद 1947 का वो सूरज 15 अगस्त को निकला और न जाने कितने इस्माइल बिलाल शहादत चूमने के बाद हमें आजादी दिला कर गए। उसके 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा दस्तूर वजूद में आया और एक ऐसे मुल्क का ख्वाब देखा गया कि जहां का हर शख्स खुद में जिंदाबाद हो, जहां पर कोई ऊंच नीच नहीं हो, जहां पर एकता हो, अखंडता हो, एक दूसरे को आजाद रहने दिया जाए। लेकिन आप नजर डालिए और देखिए, क्या ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ? आपको हालात बदले हुए नजर आएंगे, चिरागों को आंधियों में उछाला जा रहा है, चिरागों को आंधियों में उछाला जा रहा है और उन आंधियों पर भी रोक डाला जा रहा है। हमारा देश जल रहा है, उसके सीने में आग है, बेबसी की आग, भूखमरी की आग, अफलास की आग। हमारे शहीदों के खून का क्या मोल बन रहा है? वो वादे क्या हुए जो हमसे किए गए थे? हमारे शहाद, हमारे शहीद सरहदों पर दिन ब दिन शहीद हो रहे हैं। इन शहादतों को आखिर कौन जवाब देगा? हमारे शहीद दिन ब दिन शहादत का जाम पीते जा रहा है। ये मजहबों के रोग आज तक बेइलाज क्यों है? इनका इलाज क्यों नहीं निकाला गया? किसे पूछे, किसका दामन पकड़े, हमें ढूंढना होगा। और जब हम नजर दौड़ाएंगे तो शायद ये नजर हमारे ऊपर ही आकर रुक जाए। बहरहाल जो हुआ वो हुआ, जो नुकसान हुए वो हुए, मगर इसको संभालने के जिम्मेदार हम सब हैं। इस ऐवान में मौजूद हम सब हैं। मैं आप और बल्कि यूं कहें कि हिंदुस्तान का हर वो नौजवान के जिसके सीने में दिल धड़कता हो, वो इस हिंदुस्तान की एकता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ये काम मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। आप सबको ये भी याद रखना चाहिए कि जिन लोगों की मंजिल आसमान होती है तो उनके इस्तकबाल में सितारे खुद खड़े हो जाया करते हैं। सो लिहाजा ये ख्वाब जो 1857 में देखा गया था, उसकी ताबीर 1947 में हुई, वो ख्वाब हमें भी देखना होगा। अरे हम सब तो उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो हमारे मुल्क को कमजोर देखना चाहते हैं। एक साथ आओ इस 26 जनवरी के मौके पर, ये नया साल है, नए लम्हात है, नई ऊर्जा है हमारे अंदर, नई आंसुए हैं हमारे अंदर, एक नई जुस्तजू भी हमें करनी चाहिए। अहद लो, यहां से निकलो तो एक अहद के साथ निकलो कि कम से कम कोई एक ऐसा काम हम करें कि जिससे हमारा घर मजबूत हो, हम मजबूत हो, हमारा शहर मजबूत हो, हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो। अहद लो, हाथ उठाकर अहद लो कि जब हम यहां से निकलेंगे तो बदले हुए निकलेंगे। अहद लो, लिहाजा हाथ उठाओ और अहद लो कि जब हम यहां से निकलेंगे तो बदले हुए निकलेंगे। लिहाजा इसी शेर पर अपनी स्पीच तमाम करता हूं कि मैं किस मिट्टी का शेर हूं मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का शेर हूं मेरी पहचान लिख देना, मेरे कफन के कोने कोने में हिंदुस्तान लिख देना।